छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से काम कर रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा उन्हें मिले ताकि कोई और नक्सली जन्म ना ले पाए। विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले में 8 लाख के नक्सली का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा 5 लाख के नामी वर्दीधारी महिला नक्सली को अरेस्ट किया गया है। 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी आई है। कहा कि कोई बंदूक लेकर देश की अखंडता को चोट पहुंचाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं है वहां पर, अधिकारी भी नहीं बदले गए हैं, सरकार का संकल्प बदल गया है। जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, नई सरकार है, नई सरकार का नया संकल्प है। अमित शाह जी की प्रेरणा है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार इस दिशा पर बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। चुनौती तो हर क्षण है भाई, चुनौती तो हर क्षण है। अब ये करना क्या है, इसका निर्णय सरकारों को करना होता है। भाजपा की सरकार में बहुत स्पष्ट है। आप सरकार को कह लें, आप नेता को कह लें, सब कुछ कह लें, देश की एकता अखंडता पर बात भाजपा नहीं सह पाती है। देश में कोई अराजकता फैलाए, कोई देश को विभाजित करने की बात करे, देश पर कोई आवाज उठाए, सवाल उठाए, ये नहीं सहा जाएगा। बात होगी, निर्णय होगा, नई योजनाएं होंगी, सब कुछ करेंगे, परंतु कोई बंदूक लेकर के देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं सहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल में ध्यान करने के संकल्प पर हो रहे विपक्ष के हमलों पर लक्ष्मण सिंह ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने पीएम के ध्यान संकल्प का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट दिखा रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प का कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह के समर्थन करने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती जा रही है और ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह कुछ विषयों पर तो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़े हुए हैं, जिनका स्वागत है। आपत्ति है तो जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती रही, अब ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। मैं लक्ष्मण जी का स्वागत करता हूं, कम से कम कुछ विषयों पर तो वो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़ा होना बेहतर समझते हैं। सागर मामले में सियासत जारी है। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने भूपेंद्र सिंह पर सागर मामले के पीड़ित परिवार को दबंगई वाले अंदाज में समझाने का आरोप लगाया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित और उसके काका को समझौता कराने के लिए अपने घर खुरई बुलाया। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि भूपेंद्र सिंह ने दबंगई और फिल्मी अंदाज में उन्हें समझाया। कभी गिरा सकते हो तो कभी भी गिरा सकते, किसी का भी गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाहीं वैसी धाराएं बन गई, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीजें हो सकती थी वो चीज़ें तत्काल जो हो सकती थी वो कर दी। फिर उसी दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अपन 10 लाख रुपये और नौकरी दे देंगे बच्ची को, तो अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या करे। भैया घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती वही तो करेगी। उसके वहीं सागर मामले में दिग्विजय सिंह के वीडियो